उन्नाव से एक पदाधिकारी को टैग किया गया है जो हर बात पे जो है बारीकी से नजर रखेंगे, अगर कोई दिक्कत होगी तो विधि समाप्त कार्रवाई की जाएगी। सर, पूरे अनुमंडल में आपने क्षेत्र भ्रमण किया तो विधि व्यवस्था। चौगाई के हवा महल के चर्चा पूरा जिला में फैलल। पंडाल के निरीक्षण खातिर डीएसपी से लेके इंस्पेक्टर तक मौका पे पहुँचल। डीएसपी आफाक अख्तर अंसारी वास्तु स्थिति के लिहनी जाए जा खबर का बा सब बताई भोजपुरिया समाचार। डीएसपी साहेब के बयान भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। भोजपुरी के एगो गायक तेजस्वी यादव ऐसन गीत गवले कि देख चौंगाई में बनल बाटे हवा महल, वही हवा महल के तर्ज पर चौगाई में एगो पंडाल तैयार कर दिहल गई। पंडाल के ऊंचाई लगभग 60 फीट से भी ऊपर बटुए। तमाम तरीका से समिति के सदस्य दिन रात एक करके यह पंडाल के निर्माण कैले। यह पंडाल के निरीक्षण खातिर डुमराव अनुमंडल के इंस्पेक्टर साहेब मौका पे पहुँचले, साथे साथ स्थिति के जायजा लेले। एकरा बाद देर शाम तेज तरार डीएसपी आफाक अख्तर अंसारी थानेदार कमल नयन पांडे के साथे पहुँचनी, हिजा के जायजा लेनी समिति के जे अध्यक्ष बटुए बिमलेश जी आ साथे साथ हिजा के सचिव जे बा सब लोग से बातचीत कैनी। एकरा बाद डीएसपी आफाक अख्तर अंसारी जहाँ अराजक तत्व मंडरात रहलन मीना बाजार के निरीक्षण कैनी, साथे साथ निर्देश देनी कि हिजा 3 से 4 गो महिला पुलिस बल 24 घंटे अष्टमी से लेके दशमी तक नियुक्त रही हैं ताकि कोनो भी प्रकार से अराजक तत्व एह मीना बाजार में ना पहुँच। रउरा सबके बता दी कि जैसन पंडाल बनल बा, जैसन भव्य तरीका से एकरा के बनावल गइल बा, देखला के बाद बस अइला के बाद लोग मंत्रमुग्ध हो जाता। रउरा सबके जानकारी खातिर बता दी कि 1956 से लगातार हिजा दुर्गा स्थान पे दुर्गा पंडाल के निर्माण हो रहल बटुए। हर बार कुछ अलग बनावल जाला, कबो यह जगह पर लोटस टेम्पल बना दियाला, कबो लाल किला बना दियाला, अब किलपारी बना दिहल गइल बटुए। रउरा सबके देखे खातिर है माता के दर्शन करे खातिर हवा महल। जी हाँ, उहे हवा महल जेकरा के मान सिंह बनैले रहन उहे तर्ज पर या हवा महल के निर्माण जवन बा हैजा दुर्गा पूजा समिति के द्वारा कैल गइल बटुए। डीएसपी साहेब थानेदार के सख्त निर्देश देनी कि लगातार पुलिस जवन दिया पूरे अनुमंडल में अलर्ट मोड में रही, हर जगह प्रतिनियुक्ति कैल जा चुकल बटुए। अराजक तत्व को पुलिस के विशेष निगाह रही, तनिक केओ खरखरावल लोग तो बुझी कि पुलिस फड़फड़ावे शुरू कर दी, उनका के लाल कोठरी में ढुकावे शुरू कर दी। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा दिया। इस संबंध में डीएसपी आफाक अख्तर अंसारी कहनी कि कोनो भी तरीका से ऐसा अराजक तत्व जवन की व्यवधान पैदा करे हैं पुलिस कहीं से बक्से नहीं खे जाते, खातिर पुलिस अलग अलग व्यवस्था के तहत। थैंक यू सर। अभी आए थे देखने के लिए यहाँ पे पूजा समिति के लोगों से मिलने के लिए, यदि कोई बात है से यहाँ मीना बाजार वगैरह लगता है तो यहाँ पे महिला सुरक्षा कर्मी को हम देंगे और भी जो 112 की टीम है पुलिस दस्ती रहेगी, थाना प्रभारी रहेंगे। यहाँ पंडाल से एक पदाधिकारी को टैग किया गया है जो हर बात पे जो है बारीकी से नज़र रखेंगे, अगर कोई दिक्कत होगी तो विधि समाप्त कार्रवाई की जाएगी। सर, पूरे अनुमंडल में आपने क्षेत्र भ्रमण किया तो विधि व्यवस्था से कितना संतुष्ट दिखे सर? हम पूरी तो संतुष्ट हैं, हर जगह हमारी पुलिस व्यवस्था है और डेपुटेशन किया गया है, हर पोस्ट को जो है किसी न किसी पुलिस अधिकारी के साथ जोड़ा गया है, वह व्यक्ति उस पंडाल समिति से मिल करके वहाँ पर नज़र रखे हुए हैं।